कहीं ना कहीं सरकार ने कही थी कि हम 19 लाख रोजगार हर साल देंगे, तो उस पर बात कीजिए और जब जनता मुझे सदन में पहुंचाएगी तो मैं इसको शेष रूप से वहां पे रखूंगा। हमारे पासवान मत घबराना। हमारे पीछे देखिए, अभी अभी अमर पासवान जो हैं वो नामांकन करके बाहर निकले हैं। अमर पासवान को दिखाइए, लगातार पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। और भी यहाँ पर लोग हैं जो मीडिया बाइट की दरकार है, और आइए इन्हीं के साथ में हम बाइट लेने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुख्य एजेंडा यह होगा कि दिनचर्या का मेरा जो रूटीन होगा वो समाज के बीच में रहेगा। हॉस्पिटल, थाना या फिर शिक्षा की संस्थान, कोई भी चीज़ में मैं तत्परता के साथ जनता के साथ रहूँगा। और एक एक काम दिनचर्या मेरा सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा ही रहेगा। यूथ है, बेरोजगारी चरम सीमा के, इस पे आपका क्या? जी कहीं ना कहीं सरकार ने कही थी कि हम 19 लाख रोजगार हर साल देंगे, तो उस पर बात कीजिए और जब जनता मुझे सदन में पहुंचाएगी तो मैं इसको शेष रूप से वहां पे रखूंगा और इस बातों को पूछूंगा कि एक साल का समय ऊपर हो गया और आपने अभी तक रोजगार क्यों नहीं दिया। अमर पासवान मत घबराना। अमर पासवान अभी अभी हमारे साथ थे यहाँ पर। अमर पासवान को आप देख सकते हैं अब आगे की तरफ लोग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अमर पासवान के लिए भी वही सब मसले हैं जो पहले से तेजस्वी यादव लगातार उठाते रहे हैं। अमर पासवान अभी अभी नामांकन करके निकले हैं और अमर पासवान के पीछे पीछे देखिए ये सब काफिला है जो अब धीरे धीरे निकल रहा है। इसमें जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी अब निकल कर जा रही हैं। लेकिन अब आइए असली मुद्दे पर बात करते हैं। रमई राम जो पहले आरजेडी के पुराने कदावर नेता माने जाते थे, उनकी बेटियां भी चुनाव लड़ रही हैं, वो अब वीआईपी के पल्ले में चले गए हैं, वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि रमई राम कितना आरजेडी का खेला बिगाड़ पाएंगे, रमई राम कितने पुराने आरजेडी के कैडर वोटरों को वीआईपी के पल्ले में लाएंगे और अपना राजनीति एक बार फिर से चमकाएंगे। क्या आरजेडी के जो कैडर वोटर हैं वो रमई राम के कहने पर कह सकते हैं बोचहां विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी को वोट करने में सक्षम हो पाएंगे, वीआईपी को वोट करेंगे या नहीं कर पाएंगे? एक तरफ ये कहानी चल रही है, दूसरी तरफ वीआईपी और बीजेपी की आपस में टकराव है। ऐसे में सब राजनीतिज्ञ यही उम्मीद कर रहे हैं कि आरजेडी है जो वो अब मजा मार सकती है, लेकिन ये भी तब मुमकिन है जब रमई राम को रोका जा सकता है। ऐसे हालांकि क्षेत्र में अगर घूम करके देखा जाए तो रमई राम का अब वो जनाधार नहीं दिखता है जो लालू राज में, लालू के शासनकाल में रमई राम का दिखता था। चाहे वो राबड़ी आवास की बाहर की तस्वीरें हो या फिर जनता के बीच की, दोनों जगह से फजीहत रमई राम की ही हो रही है, क्योंकि रमई राम को लेकर के अब तरह तरह की किसे कहानियां बनाए जाने लगे हैं और वो किसे कहानियां जनता के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है, वीआईपी की लड़ाई किसके साथ है? और अगर त्रिकोणीय लड़ाई देखा जाए तो अब ऐसे में भोटकटवा के तौर पर बोचहां में कौन उभर कर सामने आएगा? अमर पासवान कितना दावेदारी यहाँ पर सुनिश्चित कर पाएंगे? और सबकी नज़र खास इस बात पर टिकी हुई है, क्या तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे धरातल पर या फिर नहीं? अगर उतरते हैं तब का माहौल क्या होगा? अभी का फिलहाल माहौल त्रिकोणीय लड़ाई की तरफ इशारा कर रहा है। कौन पहले पैदान पर रहेगा, कौन दूसरे और कौन तीसरे, अगर हम बताएंगे तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, इसलिए जनता से पूछेंगे और आपको दिखाएंगे। नमस्कार।